वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे डलगना कॉफी, जो बहुत ही पॉपुलर हो रही है, सभी को बहुत पसंद आ रही है। तो आपको आज मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी, हाथ से और मशीन से। यदि आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए मजेदार फेमस डलगना कॉफी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच जो है कॉफी पाउडर लिया है, इंस्टेंट कॉफी पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। अब इसमें हम ढाई बड़े चम्मच जो है शक्कर डालेंगे। जिस चम्मच से आप नाप ले उसी चम्मच से ही हमें इसका नाप लेना है। तो मैं ढाई बड़े चम्मच इसमें शक्कर ऐड करूंगी। अब इसमें हमें तीन बड़े चम्मच जो है गरम पानी ऐड करना है, 3 टेबल स्पून। तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अब हमने हैंड मिक्सर लिया है, हैंड मिक्सर से हमें इसको बीट करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा ये हो गया है। अभी इसे करते हैं, हमें 2 से 3 मिनट हुए हैं, उसका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए क्रीम जो है हमारी बिल्कुल व्हिप्ड हो गई है। इस तरह की हमें इसको व्हिप करना है, बिल्कुल भी जो है ये नीचे से गिरनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरह हमें इसको गाढ़ा रखना, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सर्विंग प्रोसेस की तरफ। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। आधी गिलास हमने यहाँ पर दूध लिया है, ये नॉर्मल दूध है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने शक्कर ऐड की है। आप चाहे तो शक्कर नहीं भी डाले, नहीं डालेंगे तो कॉफी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर भी ऐड की है। अब 2 आइस क्यूब हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे व्हिप्ड कॉफी, ज्यादा हमें इसमें व्हिप्ड कॉफी नहीं डालनी है। तो ये देखिए व्हिप्ड कॉफी मैंने डाल दी है, कितनी अच्छी व्हिप्ड कॉफी हमारी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल ये दूध में नहीं घुली है। यदि अच्छी तरह से व्हिप नहीं होती तो ये दूध के अंदर मिक्स हो जाती। थोड़ा सा हम कॉफी पाउडर लेके इसके ऊपर से इस तरह लगा देते हैं ताकि कॉफी जो देखने में बहुत ही अच्छी लगे। अब हम बिना मशीन के यानी कि हाथ से डलगना कॉफी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो है कॉफी पाउडर लिया है, इंस्टेंट कॉफी पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। अब इसमें हम 2.5 बड़े चम्मच जो है शक्कर डालेंगे। जिस चम्मच से आप नाप ले उसी चम्मच से ही हमें इसका नाप लेना है। तो मैं 2.5 बड़े चम्मच इसमें शक्कर ऐड करूंगी। अब इसमें हमें 3 बड़े चम्मच जो है गर्म पानी ऐड करना है, 3 टेबल स्पून। तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और एक बार जो है हम इसको हिला लेंगे। इसको हमें इस तरह चलाना है लगातार, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। यदि आपके पास ये विस्कर नहीं है तो आप फोक से भी कर सकते हैं, फोक नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको हिला सकते हैं, लेकिन उसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह हम इसको लगातार चलाते जाएंगे तो इसका देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। इसको करने में हमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। आप चाहे तो बीच में रुक रुक के भी कर सकते हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें इसको चलाते रहना है। आप देख सकते हैं बैटर जो है हमारा कितना गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। इसको करते हमें 2 से 3 मिनट हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। तो जिस रेशो से मैंने आपको बताया था उसी रेशो से यदि आप करेंगे तो आपका जो बैटर है बहुत ही अच्छा व्हिप होएगा। अभी हमें इसको और फेंटना है इसी तरह। ये देखिए इस तरह का हमें इसको व्हिप करना है, बिल्कुल गाढ़ा, ये बिल्कुल भी जो है गिरना नहीं चाहिए। इस तरह हमें इसको व्हिप करना है। हाथ से करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। आधे गिलास दूध में मैंने 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर दी थी, ये बिल्कुल नॉर्मल दूध है। इसमें अब हम आइस क्यूब डालेंगे, 2 से 3 में इसमें आइस क्यूब डालूंगी। अब हम डालेंगे व्हिप्ड कॉफी। तो कॉफी को भी हमने डाल दिया है, अब इसके हम गार्निश कर लेते हैं। तो मेरे पास ये चोको चिप्स है, ये मेरे होममेड चोको चिप्स है जो मैंने बनाए हैं, इससे हम इसकी गार्निश करेंगे। ये कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। और थोड़ी सी हम कॉफी भी इस पर लगा देते हैं इस तरह, ताकि और भी अच्छी और सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो ये देखिए दोनों ही तरह की डलगोना कॉफी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने आपको हैंड मिक्सर से भी बताया था इसको कैसे करेंगे और हाथ से भी जो है हम इसको कैसे करेंगे। यदि आपके पास मशीन नहीं है
तो आप हाथ से भी इस तरह की कॉफी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे मेन बात है कि इसका रेशो का हमें पूरा ध्यान रखना है। तो इसमें हमने 2 बड़े चम्मच कॉफी ली थी, 3 बड़े चम्मच गर्म पानी और 2.5 बड़े चम्मच जो है हमने इसमें शक्कर ली थी। तीनों को मिक्स करके जो है हमने ये व्हिप कॉफी बनाई थी। आप जरूर एक बार ये रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिए और बताइए कि आपने जो डलगोना कॉफी बनाई है वो कैसी बनी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।